भागलपुर के नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात स्मैक की तस्करी करते हुए पकड़े गए तीन तस्करों को आज जेल भेजने के पूर्व भागलपुर कोर्ट में पेशी के दौरान स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सिपाही करण राज कोर्ट के बाहर से हथकड़ी सहित फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह वायरलेस और फोन से मैसेज किया, जिसके बाद इसाकचक थाने के मुंशी रितेश कुमार के तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी का पीछा किया और झोपड़ी पट्टी के पास से भागे हुए एक कैदी को कर लिया। वहीं कैदी को भागने में शामिल उसका चचेरा भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे तिलका मांझी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं भागने के क्रम में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार स्मैक तस्कर सिपाही करण राज जमुई जिला बल में कार्यरत है और पिछले कुछ माह से स्मैक की तस्करी कर रहा था। नौगछिया पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर इसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और इन लोगों के पास से 475 ग्राम स्मैक बरामद हुए थे। वहीं 42,137 रुपया भी और हथियार भी बरामद इन लोगों के निशानदेही पर हुआ था। यहाँ कल परसों भोर में एक तीन व्यक्ति पकड़े गए थे स्मैक के साथ में, भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई थी, जिसमें एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को हुआ था। तो उसमें रंगड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था NDPS का और उसी में इनको जेल भेजा जा रहा था। आज कोर्ट गेट से ये भागने का प्रयास किए, बल्कि भाग ही गए थे, फिर पुलिस अलर्ट थी तो इनको पकड़ा गया। ये इनका नाम है करण राज, रहने वाले इस्माइलपुर भिट्ठा के हैं और ये नौकरी में थे, बिहार पुलिस में थे, नौकरी में थे। तो खैर इनकी संलिप्तता उस स्मैक वाले केस में थी, इसीलिए इनको जेल भेजा जा रहा था। एक व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनका भाई है, चचेरा भाई है, तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो जिस मोटरसाइकिल से ये भागने का प्रयास किए थे वो भी रिकवर हो गई है। तो और हम लोग छानबीन करते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या इनका मंशा है या और कौन कौन लोग सहयोग किए। थैंक यू। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।